नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी चैनल हिंदी खबर और बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका त्रिपाठी। आज बात होगी गन्ने पर बचे सियासी कदर की। सीएम योगी ने बागपत में गन्ना किसानों को मजाकिया लहजे में गन्ने की जगह सब्जी उगाने की सलाह दी। फिर क्या था, योगी के इस बयान ने सियासी बखेड़ा लाकर खड़ा कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर खूब सियासी तीर चलाए हैं, तो जवाब में योगी ने सपा के समाजवाद को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जा रहा है और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि दिल्ली का बाजार आपके लिए इतना अच्छा है, अगर सब्जी की खेती आप करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कार्य कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान ने यूपी के सियासी गलियारों में गदर मचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गन्ना किसानों की सलाह को लेकर समाजवादी पार्टी के मसीहा दाना पानी लेकर बीजेपी सरकार पर चढ़े बैठे हैं। 24 घंटों के अंदर अखिलेश यादव ने ट्विटर के दो तीर छोड़े। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार गन्ना बकाया ना चुकाने से जिस तरह गन्ना किसानों का विरोध झेल रही है, उस आग में अब प्रवचनीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहकर घी डाल दिया है कि गन्ना ना उगाएं, इससे डायबिटीज बढ़ती है। इससे अच्छा तो वो एक सलाह अपने मतान समर्थकों को दे दें कि वो समाज में हिंसा नफरत की कड़वाहट न घोले। मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी से भरा हुआ पद होता है। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है और उसे उस पद पे रहते हुए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुना करने वाले वादे को जुमला करार दे दिया। दरअसल बागपत में सीएम योगी किसानों को संबोधित कर रहे थे, किसानों से सब्जी उगाने की बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के मुखारबिंदों से एक ऐसी सलाह निकली जिससे सियासी गदर मच गया। अखिलेश यादव जी को गन्ने के विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार कोई नहीं है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुगर मिल किसने बेची थी। शुगर मिल बेचने वालों से कि आज वो पीछे पीछे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। हमने तो बिकी हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिकी हुई शुगर मिल को चालू कराया है, बंद पड़ी शुगर मिल को चालू कराया है। गन्ने की खरीद अखिलेश जी से ज़्यादा की है। गन्ने का भुगतान अखिलेश जी ने कितना किया था, 16,000 करोड़। हमने कितना किया अभी तक, 25,000 करोड़ से ज्यादा का। इधर जब सीधा वार समाजवादी बबुआ कर रहे थे तो योगी भी भला चुप कैसे बैठते। अखिलेश के बाउंसर पर एक कदम आगे बढ़कर योगी ने बड़ा शॉट खेल दिया, सपा के समाजवाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। देश में साम्यवाद या समाजवाद से इस देश की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जब तक सरकार की संवेदनाएं नहीं जागृत होंगी, तब तक इस देश में समानता के बाद खोखली साबित होंगी। चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी जहां योगी आदित्यनाथ के बयान को भुनाने में लगी है, तो योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि यूपी की सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कि जो गन्ना किसान हैं वो गन्ना कम उगाएं क्योंकि लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो रही है, इस पर राजनीति पूरी तरीके से तेज हो गई, जहां विपक्ष का साफ ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है पूरी तरीके से उनके पद की गरिमा को गिराता है। और साथ ही साथ में कांग्रेस ने भी ये चीज साफ की है कि आज गन्ना उगाने के लिए मना किया जा रहा है, आगे आलू गेहूं और चावल के लिए भी मना किया जाएगा। देखना यह है कि जिस तरीके से लगातार अब इस बयान को लेकर राजनीति तेज हुई है, इस पर अब विपक्षी किस तरीके से आगे अपना पहलू रखते हैं। कैमरामैन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।